हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइन एकेडमी। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे जो मेरे कई सारे फ्रेंड्स या फिर मेरे कई सारे स्टूडेंट्स मेरे से अक्सर पूछते रहते हैं। उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो दिन में 3 से 4 घंटे मैथमेटिक्स स्टडी करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। उसके बाद भी जब भी उन्हें उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी नया क्वेश्चन मिलता है, कोई भी ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन मिल जाता है, तो वो उनसे सॉल्व नहीं होता है। वो एग्जाम्स में जाते हैं और वहाँ पर भी अगर उन्हें कोई नया क्वेश्चन मिल जाता है जो उनके टॉपिक से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक है, तो वो उनसे सॉल्व नहीं होता। अगर आपके पास भी यही प्रॉब्लम है, आप भी ऐसा ही कुछ फील करते हैं जब भी एग्ज़ाम में जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैथमेटिक्स में जनरली स्टूडेंट का जो फोकस होता है वो होता है प्रॉब्लम्स पर। अब आपको अपना फोकस प्रॉब्लम्स से शिफ्ट करके कॉन्सेप्ट्स पे लेके आना है। आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि हाउ टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। आप कोई भी मेथड पढ़ते हो, कोई भी फॉर्मूला पढ़ते हो मैथमेटिक्स में, तो हमेशा याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर, कि उसके पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा। आपका पहला काम होना चाहिए आप उस कॉन्सेप्ट को ढूंढो, उस कॉन्सेप्ट को सर्च करो और उस कॉन्सेप्ट को स्टडी करो, उस कॉन्सेप्ट को समझो, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स आर द सोल ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप क्वेश्चंस को कितना भी ऑफ द ट्रैक हो बहुत आसानी से हैंडल कर पाओगे। और आपके कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर होंगे? कोई भी टीचर, कोई भी यूट्यूब वीडियो देखकर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। आप इवन स्कूल्स में भी जाते हो तो स्कूल में टीचर्स के पास जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है टाइम कॉन्स्ट्रेंट। उनको हाफ ईयरली और एनुअल के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग उनको सिलेबस कवर करना होता है, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स वो क्लियर नहीं करा सकते, तो आपको खुद से करने होंगे। आप खुद से कैसे करोगे? बुक स्टडी करके। आपका जो काम है वो है बुक स्टडी। मैथमेटिक्स में जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जनरली आपने देखा होगा, इवन हो सकता है आप भी करते हो, आपके पास आपने मैथमेटिक्स की बुक ली और आपके पास मैथमेटिक्स की बुक का सिर्फ एक काम है। जब भी टीचर कुछ पढ़ाता है तो आप सीधे एक्सरसाइज में पहुंच जाते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एक्सरसाइज के गेम ओवर। यार बुक लिए हुए इतनी मोटी बुक का करोगे क्या? सिर्फ क्वेश्चंस के लिए लेना था तो आप DPPs ले लेते, आप अनसॉल्व पेपर्स ले लेते। आप बुक क्यों लिए हुए हो? आप बुक स्टडी करो, उसको लाइन बाई लाइन। आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ो तो उस बुक का उस चैप्टर की पहली लाइन से उस चैप्टर की लास्ट लाइन तक स्टडी करो। जब आप एक एक लाइन पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। आपको हर एक फॉर्मूला पता होगा कहाँ से आया है, कोई भी मेथड है तो कैसे बना है। आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर रहेंगे और जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो सबसे पहला प्रॉफिट होता है, सबसे बड़ा प्रॉफिट आपको होता है कॉन्फिडेंस। आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम को आप जब डील करोगे तो आपको वो आसान लगेगी, आप उसे आसानी से डील कर पाओगे। अब अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, आपने बुक स्टडी करना स्टार्ट कर दिया है, तो आपका अब फोकस आना चाहिए प्रॉब्लम्स पर। पहला फोकस कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपका फोकस होना चाहिए प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स में भी स्टूडेंट्स कुछ मिस्टेक कर देते हैं क्या? वो एक ही टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। मीन्स आपने बुक्स में देखा होगा, वो बड़ी सी बुक ले लेंगे, मोटी सी बुक, उसमें जो है एक ही टाइप के 10-12-15 क्वेश्चंस होते हैं, वो उनको एक एक करके सॉल्व करने लग जाते हैं। ये टाइम वेस्टेज है। आप 2-3 क्वेश्चंस अगर आप एक टाइप के कर रहे हो और आपको समझ आ चुके हैं तो आपको बाकी क्वेश्चंस वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। आपका फोकस होना चाहिए वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स पे। आपको मोनोटोनी अवॉइड करनी, अवॉइड मोनोटोनी। आपको सेम टाइप के क्वेश्चन से दूर भागना है, आपको सेम टाइप के क्वेश्चंस बार बार नहीं करने। जब आप वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करो, मींस
आप जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करो। आज तो आपके पास इंटरनेट है, आप उस पे जाओ, किसी भी चैप्टर की प्रॉब्लम्स निकालो, आप उन्हें खुद से सॉल्व करो, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी आपके पास। आप जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो तो एक काम आप और कर सकते हो क्या, अब हमेशा सोचो कि मैं इस प्रॉब्लम को अगर इस मेथड से ना करूं, इससे करूं तो कैसे होगा। हमेशा आपको मैथमेटिक्स में एक प्रॉब्लम का तीन चार सॉल्यूशन मिल सकता है, मतलब तीन चार मेथड्स आपको मिलेंगे जिनसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होगी। आप हमेशा ट्राई करो कि आप एक से ज़्यादा मेथड्स ढूंढो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। आप जितने मेथड्स हो सकते हैं उन सबको एक्सप्लोर कर दो, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना उसके बाद, आप किसी भी क्वेश्चन को इवन कितना भी ऑफ द ट्रैक हो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो ऑफ द ट्रैक है, बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स देखी हुई हैं। सो आपको एकदम क्लियर कट आइडिया देगा, एकदम क्लियर पता होगा। नेक्स्ट काम है नोट्स। नोट्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नोट्स में बहुत बड़ी दिक्कत करते हैं कि वो फ्रेंड्स के नोट्स ले लेते हैं, वो इंटरनेट से नोट्स डाउनलोड कर लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने, और खुद के नोट्स वो भी कैसे बनाने। आपको ऐसा नहीं आपने फॉर्मूला नोट कर लिया एक पेज पे, फिर नेक्स्ट पेज पे आपने 30-40 प्रॉब्लम सॉल्व कर डाली और आप बोल रहे हो ये नोट्स है। नहीं, आपके नोट्स कंसाइज होने चाहिए, मीन्स आपके नोट्स कॉन्सेप्ट्स को कंटेन करने चाहिए, फॉर्मूला कंटेन करने चाहिए, जो भी मेथड्स हैं वो कंटेन करने चाहिए। मीन्स आपके नोट्स में कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूला, मेथड्स, ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। फोर्थ हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन एक टाइप की एक या दो प्रॉब्लम्स, और वो वाली सारी प्रॉब्लम्स जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं आपके लिए, जो आपको लगता है कि आपको दोबारा जब पढ़ेंगे आप तो आपको इस प्रॉब्लम में दिक्कत आएगी, तो आपको वो प्रॉब्लम अपनी नोट्स में रखनी, बाकी आपको अपने नोट्स में नहीं रखना है। हाँ, आप रफ कॉपी, फेयर कॉपी स्कूल के लिए आप बनाते हो, वो अलग मैटर है, लेकिन ये नोट्स आपके लिए खुद के होने चाहिए। ये आप स्कूल्स के लिए नहीं बना रहे हो, या आप रफ कॉपी के लिए नहीं बना रहे हो, ये आप अपने खुद के लिए बनाओ। ठीक है, आप अपने नोट्स अपने खुद के लिए बनाओ। और जो लास्ट काम है, आप परसिस्टेंट रहो, बी परसिस्टेंट, बिकॉज परसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। आपको परसिस्टेंट रहना होगा। परसिस्टेंसी से यहाँ पर मेरा मतलब ये है कि आपको डेली पढ़ना होगा। अब ऐसा नहीं आपने आज मैथमेटिक्स पढ़ी, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, ऐसा नहीं करना है। ऐसा आप नहीं कर सकते हो मैथमेटिक्स में। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको मैथमेटिक्स कभी भी नहीं आएगी, लिख के ले लो मेरे से। आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है डेली। आप अगर आपके पास टाइम नहीं है, किसी दिन मान लेते हैं कि आप हफ्ते में 1 या 2 दिन आपके पास बहुत बिजी हो जाते हो, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो भी आप एटलीस्ट हाफ एन आवर तो निकालो। आप चाहे उसका रिवीजन ही क्यों ना करो, लेकिन आप परसिस्टेंट रहो। आप परसिस्टेंट रहोगे आपको मैथमेटिक्स आएगी। आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि वो लोग जो कहते हैं मैं 3 से 4 घंटे पढ़ता हूँ उसके बाद भी मैथमेटिक्स नहीं आती, उनके साथ जो प्रॉब्लम्स होती है वो कॉन्सेप्ट्स पर फोकस नहीं करते। पहली दिक्कत, आपको कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना। दूसरी प्रॉब्लम, वो एक ही टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, आप वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स पे चले जाना है। आपको एक प्रॉब्लम को एक ही तरीके से, वो कन्वेंशनल मेथड जो उनको दिख जाता है, जो टीचर बता देता है, सिर्फ वही देखते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। किसी भी प्रॉब्लम को आप कितने तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, आप खुद से सोचो। आपको जो है खुद से पता होना चाहिए कि यह प्रॉब्लम मैं इतने तरीकों से इधर इधर करके मैं सॉल्व कर सकता हूँ। और आपको क्या करना है, अपने खुद के नोट्स बनाने। अगर आप ये सारे पॉइंट्स याद रखते हो, मीन्स ध्यान रखते हो, जब भी आप पढ़ाई करते हो, डेली आप पढ़ाई करते हो, 3 to 4 hours अगर आप मैथमेटिक्स दे रहे हो, बहुत दे रहे हो, इतने में तो आप बहुत अच्छा कर दोगे। और अगर आप कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करते हो, फिर से बोलूँगा, बुक स्टडी करते हो, आप अगर ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखते हुए अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन नहीं होगा। हाँ, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपके बुक में ना हो, मीन्स आप वो चैप्टर ही आपके बुक में ना हो, या फिर वो स्पेशल कॉन्सेप्ट ही आउट ऑफ द सिलेबस हो, तो उसकी बात नहीं करूँगा। लेकिन अगर इन द सिलेबस कोई भी क्वेश्चन कितना भी ऑफ द ट्रैक हो, वो आपसे सॉल्व हो जाएगा, मेरी गारंटी है। लेकिन आपको ये सब कुछ करना होगा, यू हैव टू वर्क। अगर आप वर्क करोगे
आप मेहनत करोगे, आपको मैथमेटिक्स आएगी, बहुत अच्छे से आएगी। सो आप इन सब पे फोकस करना स्टार्ट करो। अगर आपके फ्रेंड्स हैं जिनके पास ये प्रॉब्लम है, जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स है, जो आपसे बार बार पूछते रहते हैं कि यार ये मेरे को मैथमेटिक्स क्यों नहीं आ रही, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। कोई भी डाउट है या फिर आप कोई भी ऐसा वीडियो और चाहते हो किसी स्पेशल टॉपिक पे, तो आप नीचे कमेंट करो। और अगर आप किसी एक चैप्टर को, किसी स्पेशल टॉपिक को भी अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो भी आप नीचे कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आप वीडियो को शेयर कर ही रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी चीयरफुल।